गुड मॉर्निंग, मैं पिंटू कनौजिया, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया उत्तर प्रदेश। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के सिलेबस पूरा कराने का प्रयास जारी है और इसी क्रम में SCERT के भी द्वारा एक निश्चित शेड्यूल पर लाइव क्लास चलाया जा रहा है। आप लोग निश्चित रूप से देखिए और लाभ उठाइए। साथ ही SCERT के दिशा निर्देश पे विषयवार प्रोजेक्ट कार्य भी आपको दिए जा रहे हैं। आप लोग पूरी मेहनत से, ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट कार्य को करिए और ससमय संबंधित प्रवक्तागण के व्हाट्सएप या जो भी माध्यम है उस पर आप लोग उसे सेंड करने का प्रयास करिए। आइए अब हम लोग अपने सिलेबस पर आते हैं। आज हम लोग 2019 बैच से ही उसके द्वितीय सेमेस्टर के, जैसा कि हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे, मौर्य काल पे अंतिम वीडियो है। मौर्य काल पे हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं। मौर्यकालीन राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था और कला। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हम लोग पहले हम लोग बात करें कि उस समय का समाज कैसा था, सामाजिक संगठन कैसा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल में ही, वैदिक काल जो हम पढ़ रहे थे तो बताए थे कि ऋग्वैदिक काल के काल में ही ऋग्वेद का जो दशा मंडल है, वर्ण व्यवस्था की बात होती है। उसके बाद उसमें क्रमिक विकास होता है और मौर्य काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था यानी वर्णाश्रम व्यवस्था अस्थाई हो गई थी, उसमें अस्थायित्व आ गया था। और मौर्य काल में भी जो सामाजिक संगठन थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वह वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित थी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि राजा को वर्णाश्रम व्यवस्था का संरक्षक होना चाहिए, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था का तात्पर्य, समाज चार भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो वर्ण था उसका कार्य था समाज का बौद्धिक एवं धार्मिक नेतृत्व, साथ ही वह प्रशासन में राजा के, प्रधानमंत्री तथा पुरोहित की भूमिका का भी निर्वहन कर रहा था। क्षत्रिय वर्ग शासन और प्रशासन से जुड़ा हुआ था, सैन्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, राजन्य वर्ग था एक तरह का। तीसरा जो वैश्य वर्ग है वह कृषि और वाणिज्य से जुड़ा हुआ था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन या एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शूद्रों की स्थिति में तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ। शूद्रों की स्थिति, शूद्र अभी तक केवल सेवा संबंधित कार्य कर रहे थे, मौर्य काल तक आते आते शूद्रों को कृषि, वाणिज्य तथा व्यापार का भी अधिकार मिल गया था। चाणक्य शूद्रों को आर्य करके पुकारते हैं, उन्हें सेना में भी कार्य करने की छूट प्राप्त होती है, वो संपत्ति रख सकते थे। यानी कि एक तरह से शूद्रों की स्थिति में यहाँ पे सुधार परिलक्षित होती है तुलनात्मक रूप से स्मृति काल के। वहीं एक दूसरे तरह का सामाजिक विभाजन की बात मेगास्थनीज अपने इंडिका में करता है। मेगास्थनीज समाज को सात भागों में बांट के देखता है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर,
कारीगर अथवा शिल्पी, सैनिक, सैनिक और निरीक्षक, सभासद, इस तरह से वो समाज को सात भागों में बांट के देख रहा है। मेगास्थनीज का यह विभाजन जो है वह व्यवसाय पर आधारित है। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक संगठन जो था वो वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। आइए बात करते हैं हम परिवार कैसा था। परिवार संयुक्त परिवार था, एक ही परिवार, एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते थे। शादी यानी विवाह नामक संस्था स्थायी हो चुकी थी। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख करता है। कुलीन परिवार में बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन सामान्य परिवारों में एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। तलाक जैसी व्यवस्था थी, स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे से तलाक ले सकते थे, लेकिन उस तलाक की कंडीशन होती थी, जैसे कि अगर पुरुष को तलाक लेना है तो पत्नी अगर चरित्रहीन है या बंध्या यानी संतान नहीं हो रहा है इस शर्त पे, और पत्नी को अगर पति को तलाक देना होता तो उसके लिए भी कुछ शर्तें थी, जैसे कि बहुत दिन तक वह परदेश में रह गया या वह किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, इस शर्त पे जो है तलाक की व्यवस्था थी। साथ ही समाज में नियोग और अंतरजातीय विवाह की भी प्रथा थी। जैसे कि आप तमाम रेफरेंस देखे होंगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा रेफरेंस चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना का साथ के साथ विवाह का भी है, उसको आप यहां से जोड़ के देख सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की तुलना में ठीक थी। स्त्रियां राजकीय सेवा में थी, राजा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त हो रही थी, गुप्तचर विभाग में नियुक्त थी, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी, परिवार में उनकी अच्छी स्थिति थी, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थी, परिवार का नियंत्रण उनके ऊपर था। कुलीन परिवार की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। और शास्त्र में दो तरह के शब्द हमें मिलते हैं, एक शब्द है अनिष्कासनी, और निष्कासनी अर्थात वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और भी एक शब्द हमें प्राप्त होता है, और सूर्य पस्ता, अर्थात वो सूर्य को नहीं देख सकती थी, अर्थात वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी। गणिकाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है, और हम जानते हैं कि एक अधिकारी हमें गणिकाध्यक्ष नाम का मिलता है जो गणिकाओं पर नियंत्रण रखता था। तो इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति स्मित काल की तुलना में ठीक कही जा सकती है। बात करते हैं हम दास प्रथा की। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कहता है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि बौद्ध ग्रंथों में 4 प्रकार के दास और अर्थशास्त्र में हमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख प्राप्त होता है। यहां तक कि अशोक के अभिलेखों में भी हमें दासों के विषय में जानकारी मिलती है कि दासों को कृषि कार्य में लगाया गया था। चूंकि भारत में दासों की स्थिति यूरोप की तुलना में अच्छी थी, इसलिए मेगास्थनीज समझ नहीं पाया होगा कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन था। वस्त्र, मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय वस्त्र के शौकीन थे। इनके वस्त्र में विभिन्न प्रकार के साज सज्जा, कढ़ाई, विभिन्न प्रकार के वस्त्र सूती, ऊन, रेशमी तथा विभिन्न प्रकार के आभूषण मतलब रत्न इनके वस्त्र में जुड़े होते थे। खान पान में
शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, गेहूं, चावल, जौ, कपास के उत्पादन का उल्लेख है, फल फूल का भी सेवन करते थे। भारत, चूंकि भारत त्योहारों का देश कहा जाता है, तो मनोरंजन के साधन में त्योहार भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। लोग घुड़दौड़, हाथी दौड़, रथ दौड़, गांव में तरह तरह के मनोरंजक साधन, नट नर्तकी, मदारी, चारण, विदूषक, तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते थे। आइए बात करते हैं हम लोग आर्थिक व्यवस्था की। महाजनपद काल में जिस कृषि एवं वाणिज्य व्यवस्था का प्रारंभ हम लोग देखे थे, मौर्य काल तक आते आते वो काफी विकसित हो गया था। कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ये बहुत बड़ा कारण रहा मौर्य सम्राट को इतना विशाल रूप देने में। एक परिवर्तन यहाँ दृष्टिगोचर होता है कि कृषि तथा वाणिज्य व्यापार उद्योग धंधों में राज्य की अपनी सक्रिय भागीदारी हो गई थी। राज्य बहुत सक्रिय तरीके से अर्थव्यवस्था को विस्तार दे रहा था। आइए हम उन्हें कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था, मेगास्थनीज कहता है कि भारत की मिट्टी उपजाऊ है, भारत में तमाम तरह के फसल, गेहूं, चावल, जौ, कपास, गन्ना, इस तरह के फसलों के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। जनपद निवेश शब्द का इस्तेमाल हुआ है अर्थशास्त्र में, अर्थात राजा का प्रयास होता था कि अधिक से अधिक भूमि को जोता जाए, जंगलों की कटाई करके अधिक से अधिक भूमि को उपजाऊ बनाया जाए और राजा भी भूमि पर अपने कर्मचारियों, दासों के माध्यम से कृषि कार्य करा रहा था। और हम जानते हैं कि राज्य की भूमि को सीता कहा जाता था और उस भूमि का जो निरीक्षक होता था उसे सीताध्यक्ष कहा गया है, यानी कि कृषि में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी थी और किसान अपनी भूमि पर फसल उपजाते ही थे। कृषि के विस्तार के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यानी मतलब कि राज्य की पहल थी, राज्य कृषि के लिए सहयोग कर रहा था और कृषि से बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त हो रहा था। 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जा रहा था। उद्योग और शिल्प, उद्योग और शिल्पों की बात करें तो उद्योग और शिल्प भी विकसित अवस्था में थे और यहाँ भी राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी थी। कुछ ऐसे शिल्प और उद्योग थे जिस पर राज्य का ही अपना एक अधिकार था, जैसे अस्त्र, शस्त्र निर्माण, जहाजरानी यानी जलपोत निर्माण, हथियार निर्माण, ये सब कार्यों पे, इन सब उद्योगों पे राज्य का एक अधिकार था। साथ ही राज्य के कुछ कर्मचारियों का भी हमें रेफरेंस मिलता है, जैसे कि पाड़याध्यक्ष जो इन उद्योगों पर नियंत्रण रखता था। खनन विभाग भी राज्य के अधिकार में था और हमें पता है कि
बिहार में उस समय बिहार मतलब कि पाटलिपुत्र मगध राज से लौह खनन और स्वर्णगिरी, दक्षिण में स्वर्णगिरी से स्वर्ण खनन की बात होती है, तो इन खनन पर राज्य का ही नियंत्रण था। शिल्पी भी तमाम तरह के शिल्प के माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हुए थे, जिसमें बढ़ईगिरी, बर्तन निर्माण, इस तरह से तमाम शिल्प के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है कि शिल्प और उद्योग की स्थिति ठीक थी। शिल्पी संघों में भी संगठित हो रहे थे। शिल्पियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था और व्यापारियों के का जो संगठन था उसे निगम कहा जाता था, यानी कि वो संगठित हो रहे थे, व्यापार एक संगठित रूप धारण कर रहा था। व्यापार की बात करें तो भारत का आंतरिक और बाह्य व्यापार भी अच्छे स्थिति में था। भारत का आंतरिक व्यापार तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती, इसिला, संपा, ऐसे क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जहाँ पे आंतरिक व्यापार जहाँ से हो रहे थे। कुछ क्षेत्र जैसे कि बंगाल, बनारस, कलिंग, इन जगहों पे वस्त्र उद्योग लगे हुए थे। बंगाल का मलमल बहुत प्रसिद्ध था और साथ ही रेशमी कपड़े के लिए काशी प्रसिद्ध था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी विकसित अवस्था में था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र आदि देशों के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था। व्यापार के लिए कुछ राजमार्गों की भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें दो मार्ग बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्तरापथ बंगाल से, अगर इस तरह से भारत का नीचे का नक्शा देखें तो यहाँ पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह से एक रास्ता, यहाँ पे भड़ोच यानी भृगु कच्छ और यहाँ से यहाँ पे तक्षशिला तक एक रास्ता बना हुआ था जिसे हम उत्तरापथ कहते हैं। एक और रास्ता था दक्षिणापथ, जो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक था। तो ये दो रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमिका निभा रहे थे, जहाँ से बड़े मात्रा में व्यापार हो रहे थे। मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर व्यापक रूप देना है, मजबूत आधार देना है, तो मुद्रा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मौर्य काल में कुछ मुद्राओं का भी रेफरेंस मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा थी करसापड़। करसापड़ जिसे पड़ भी कहा जाता है, यह चांदी की मुद्रा होती थी और इसका वजन 3/4 तोले के बराबर होता था। दूसरी मुद्रा सुवर्ण नाम की एक मुद्रा थी, जो सोने का बना होता था। मासक नाम की मुद्रा थी, जो चांदी की बनी थी। और एक कांकड़ी, जो सबसे छोटी मुद्रा होती थी, वो तांबे की बनी हुई थी। तो इस प्रकार से मुद्रा के विषय में भी हमें जानकारी मिलता है। और हम जानते हैं कि मुद्रा यानी कि मुद्रा टकसाल का भी एक अधिकारी की जानकारी हमें मिलती है, जिसका नाम है लक्षणाध्यक्ष, जो मुद्रा संबंधी उसकी छपाई और टकसाल नियंत्रक का कार्य करता था। नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी महाजनपद काल में प्रारंभ हुआ था, यहाँ तक आते आते काफी विकसित अवस्था को प्राप्त कर चुका था।
हमें और शास्त्र में कुछ नगरों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें तक्षशिला, उज्जैन, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, संपा और इलिशा, इसिला और जौगढ़, ये नगरों के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। आइए हम बात करते हैं कला की। तो मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में बांट के देखते हैं, दरबारी कला और लोकप्रिय कला। दरबारी कला को भी तीन भागों में बांटते हैं, महल, स्तंभ और स्तूप। महल, पाटलिपुत्र में एक स्थान है कुम्हार, वहां से एक महल प्राप्त हुआ है जो स्तंभों पर टिका हुआ एक लकड़ी का महल प्राप्त हुआ है जो बहुत ही भव्य है। और उस महल की तुलना यूनानी इतिहासकारों ने उस सूसा तथा एक वेतना, जो कि यूरोपी और मध्य एशियाई देशों के शहरों से के महलों से किए हैं, कि ये जो महल है कुम्हारों का, ये सूसा तथा एक वेतना के महल से भी ज्यादा भव्य तथा सुंदर है। इन महलों के विषय में मेघस्थली ने कहा है कि इस महल को मानवों ने नहीं बल्कि दानवों ने बनवाया है, यानी कि बहुत उसकी भव्यता को देखते हुए। अशोक के स्तंभ, जिसके विषय में हम बहुत विस्तृत जानकारी क्लास में लिए थे, स्तंभ शिलालेख, उनको देखने के बाद जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कितने भव्य और विस्तृत तरीके से बनाए गए थे। स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सारनाथ का स्तंभ है। सारनाथ का स्तंभ के विषय में हमें जानकारी है कि वो बेलनाकार, नीचे से ऊपर पतला होता हुआ, एकाश पत्थर मतलब एक ही पत्थर को काट के, और ये पत्थर जो है चुनार की खान से काटे जाते थे, एकाश पत्थर को आधार बना के इस स्तंभ के दो भाग होते थे। पहला जो है गावधूम और दूसरा होता था शीर्ष धार, इस तरह से बना हुआ था ये, नीचे से ऊपर ये पतला होता जा रहा था और यहां पर एक चबूतरे की तरह होता था और इस पर किसी न किसी जानवर की मूर्ति होती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सारनाथ का जो स्तंभ है उस पे ये जो आधार है इस पे चार सिंह हैं जो बहुत ही जीवंत और आकर्षक लगते हैं, और उसके नीचे यहाँ पे चार जानवरों का भी दृश्य है, जिसमें अश्व, वृषभ, हाथी तथा सिंह और बीच में एक चक्र है। इस स्तंभ की पॉलिश बहुत चमकदार तथा स्थायी है, वो आज तक बरकरार है। तो स्तंभ मुगलकालीन स्थापत्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और हम जानते हैं कि सारनाथ से जो हमें स्तंभ प्राप्त हुआ था उसका जो शीर्ष है वहां से वो जो दृश्य है उसको भारत सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। स्तूप मिट्टी, प्रस्तर या पत्थर का ढेर होता था जो अर्ध वृत्ताकार होता था, और उसका जो शीर्ष होता था उसमें बुद्ध या उनसे जुड़ा हुआ कोई सामग्री या कोई चीज, या उनके जो महत्वपूर्ण शिष्य थे उनके अवशेष
उन स्तूपों में रखे हुए हैं। तो मौर्यकालीन युग स्तूपों के लिए भी जाना जाता है, और हम जानते हैं कि यूरोपीय इतिहासकारों ने तथा बौद्ध ग्रंथों में हमें इस जानकारी मिलती है कि अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन कुछ स्तूपों के विषय में हमें जानकारी मिलती है जिसे अशोक ने बनवाया था, जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने उसका निर्माण करवाया था। लोकप्रिय कला, इसमें गुफाएं हैं, मृदभांड है और मूर्तियां हैं। गुफाओं के विषय में हम बहुत विस्तृत, जब हम मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे, तो उसमें बताए थे कि अशोक ने बराबरी बराबर के पहाड़ियों में तीन गुहा अभिलेख खुदवाया था, एक गुफा बनवाया था जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को दान कर दिया था, जिसमें सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपार और फिर मौर्य वंश का ही एक और शासक दशरथ ने गोपी, लोमस, बर्थिका तथा बहिका नाम के चार गुहा यानी गुफा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को दान कर दिया था। इन गुफाओं में भी तमाम स्थापत्य जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, उसमें पालिश और उसकी बनावट बहुत आकर्षक और जीवंत है। मृदभांड मौर्य काल में उत्तरकाली पालिश वाले मृदभांडों की जानकारी मिलती है, जो बहुत ही आकर्षक और वैभव के प्रतीक थे। मूर्तियों के विषय में बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में यक्षिणियों की मूर्तियाँ बड़ी पवित्र मानी गई हैं, तो इन मूर्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। और भी तमाम तरह के लोक कलाओं के विषय में हमें मौर्य वंश के लोक कला और कला में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है, आज हम लोग मौर्य काल का सामाजिक, आर्थिक और कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। आगे हम लोग फिर मौर्योत्तर काल के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।